छत्तीसगढ़ में भाजपा की एक और मोदी गारंटी पूरी हो गई। कृषक उन्नति योजना के जरिए 24,75,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,330 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान एमएसपी की बोनस राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजनांदगांव से कृषक उन्नति सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। मोदी जी हर विभाग के लिए जनता के हित में बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। इन पैसों को खर्च करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया, किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। ये प्रदेश भर के जम्मो आज किसान मन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और जब एक कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि वितरण समारोह आप मन के बालोद जिले के मुख्यालय बालोद में गंगा मैया की धरती में माँ दंतेश्वरी माई की धरती में बमलेश्वरी माँ की धरती में यहाँ हमर प्रदेश कर बहुत ही लोकप्रिय हम सबके इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का 3-3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से आज शुभारंभ हो रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करो। मालूम है कितना पैसा मिल रहा है? जितना पैसा मिल रहा है इतना में ताली ये नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजा, सब हाथ ऊंचा करो, सब उनका बोनस कट जाएगा। हाँ, अब हुआ ना, जय जवान जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय किसान और जय अनुसंधान और जय विज्ञान, जय जय श्री राम। हमारे अतीत के कालक्रम में एक ही प्रदेश होता था और हमारा अगर सबसे ज्यादा प्रेम और अधिकार कहीं है तो इस छत्तीसगढ़ की धरती पे मध्य प्रदेश वासियों का और आपका भी। आप कहो तो आपका और हम कहे तो हमारा। नर्मदा माँ की कृपा हम और आप पे बराबरी से। हम सब सौभाग्यशाली हैं परमात्मा की दया से वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मोदी जी के लिए जिनके नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है सभी क्षेत्रों में। आज सवेरे रेल के विभिन्न प्रकार के कामों का शुभारंभ किया, 100 से ज्यादा तो वंदे भारत रेल जिनका उनने अपने शासन काल में अलग अलग मार्गों पे संचालन प्रारंभ कराया। वो गया जमाना जब रेल के लिए रेल मंत्री केवल अपने प्रदेश में एक आध रेल खोल दे तो बहुत बड़ी बात मानते थे। आज की स्थिति में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश की कौन सी रेल परियोजना है? अरे इतना पैसा दे रहे, इतना पैसा दे रहे मोदी जी कि हर विभाग में खर्चे करने के लिए हमको पसीने छूटते, वो पैसे देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा वर्तमान का समय अगर कोई चल रहा है तो हमारे अपने मोदी जी सरकार का चल रहा है। एक बार फिर अभिनंदन करें मोदी जी का इस माध्यम से भी जिनके कारण से सेना के ऊपर जवान सीमाओं पे अपनी जान की बाजी लगा करके सीना ठोक करके देश की सेवा कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे जवानों के साथ साथ किसानों की भी चिंता करते हुए प्रति माह उनके लिए भी माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी। मैं अभिनंदन करता हूं मोदी जी का, स्वागत करता हूं।
और हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, ये मोदी जी की सरकार है। जोरदार तालियां बजाओ माननीय मोदी जी की सरकार के लिए। योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह और 9 से 10 लाख हमार अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य के बात है कि हमार राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमार छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जमन कर उद्बोधन आप सब मन सुने हा। मैं चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से एक बार मन कर स्वागत करा। और आज हमारे लिए सौभाग्य के बात है कि हमार छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास करीन और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में है ऐसे डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ी ने हैं वर्चुअली, उमन के स्वागत में भी आपन करतल ध्वनि से स्वागत कर। और आज हमारे बलौदा बालोद के पावन धरती में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान है हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, कांकेर के सांसद श्री मोहन मंडावी जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष पवन साहू जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जैन जी, हमर कांकेर लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, पूर्व विधायक बीरेन्द्र साहू जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णकांत पवार जी, हमर प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी, श्रीमती सोना देवी देसलहरा जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, लेखराम साहू जी, राकेश यादव जी, अभिषेक शुक्ला जी, श्रीमती प्रेमलता साहू जी,